दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो कहानी शायद ही किसी ने सुना होगा। ये महाभारत की एक अनसुनी कहानी है। महाभारत की युद्ध एक महाविनाशकारी युद्ध था। कौरव और पांडव की आपसी विरोध की वजह से ही महाभारत की युद्ध हुआ था। महाभारत का युद्ध जब आरंभ हुआ तो कौरव के पास पांडव की तुलना में सेना बल अधिक था। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे एक से बढ़कर एक महारथी भी थे कौरव के पक्ष में। कौरव ने इस युद्ध में पितामह भीष्म को उनके सेनापति बनाए थे। भीष्म कौरव से जितना प्रेम करते थे ठीक वैसे ही पांडव के लिए भी उनके मन में बहुत स्नेह था। पांडव की तुलना में कौरव के पास अधिक मजबूत सेना थी, लेकिन इसके बावजूद इस युद्ध में पांडव विजय की ओर बढ़ते ही जा रहे थे। ये देख दुर्योधन को बहुत क्रोध आता था। दुर्योधन इसका सारा दोष पितामह भीष्म को देता। दुर्योधन उन पर ये दोषारोपण करता है कि वह पांडव से अधिक प्रेम करते हैं, जिस कारण वह जानबूझकर युद्ध का संचालन अच्छे ढंग से नहीं कर रहे, जिसके चलते कौरवों की सेना को युद्ध में हर दिन नुकसान उठाना पड़ रहा है। दुर्योधन की इन बातों को सुनकर भीष्म को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कोई उनकी निष्ठा पर प्रश्न उठाए ये उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं था। भीष्म ने उसी वक्त तरकश से 5 सर्प तीर निकालकर मंत्र का उच्चारण करके उन्हें अभिमंत्रित करते हैं और दुर्योधन से कहते हैं कि कल इन्हीं तीरों से वह 5 पांडव का वध करेंगे। दुर्योधन इस बात से बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन उसे भीष्म पर पूरा भरोसा नहीं होता है। इस कारण दुर्योधन भीष्म से कहता है, पितामह आप ये 5 सर्प तीर मुझे दे दें, रात्रि में ये तीर मेरी सुरक्षा में रहेंगे। युद्ध आरंभ होने से पूर्व प्रातःकाल में ये 5 तीर मैं आपको सौंप दूंगा, तब आप रणभूमि में इन तीरों से 5 पांडवों का वध कर देना। भीष्म उसे तीर सौंप देते हैं। पितामह भीष्म के अभिमंत्रित तीरों की जानकारी श्री कृष्ण को हो जाती है। तब वह पांडवों की सुरक्षा के लिए अर्जुन को दुर्योधन से मिलने वाला वरदान की याद दिलाते हैं। महाभारत युद्ध से पूर्व पांडव की वनवास काल की एक कहानी है। युद्ध से पहले सभी पांडव वन में निवास कर रहे थे, तो पांडव के निवास स्थान पर एक तालाब था। इस तालाब में दुर्योधन कभी कभी स्नान करने आता था। एक दिन जब दुर्योधन तालाब से स्नान करके निकला तो अचानक वहां पर स्वर्ग से गंधर्व आ गए। गंधर्व और दुर्योधन के बीच विवाद शुरू हो जाता है। दुर्योधन गंधर्व से पराजित हो जाता है और दुर्योधन को वह बंदी बना लेते हैं। ये बात किसी तरह से अर्जुन को पता चल जाती है और वह दुर्योधन को मुक्त कराने के लिए गंधर्व से युद्ध करते हैं और दुर्योधन को मुक्त करा लेते हैं। इस पर दुर्योधन अर्जुन के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और इसी के साथ अर्जुन को वरदान मांगने को कहता है, लेकिन अर्जुन कहते हैं कि वह समय आने पर अवश्य ही कोई वरदान मांग लेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसी वरदान का स्मरण कराते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को उसी समय दुर्योधन के पास भेजते हैं और अपने उस वरदान का स्मरण कराते हुए दुर्योधन से वो तीर मांगने के लिए कहते हैं। अर्जुन की ये बात सुनकर दुर्योधन हैरान रह जाता है, लेकिन अपने वचन के कारण दुर्योधन अभिमंत्रित 5 सर्प तीर अर्जुन को वरदान स्वरूप दे देता है। सभी तीर दे देने के बाद दुर्योधन रात में ही पितामह भीष्म के शिविर में जाता है और पूरी बात बताते हुए दोबारा तीरों को अभिमंत्रित करने के लिए कहता है, लेकिन पितामह भीष्म ने ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वह सिर्फ एक बार ही तीरों को अभिमंत्रित कर सकते हैं। इस पर दुर्योधन निराश होकर वापस लौट जाते हैं और इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की जान बचा लेते हैं।